अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है पिंक बीन्स सैलड। बहुत ही ज़बरदस्त और रेडी होता है, डाइट करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो व्यूअर, सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिया है। मैंने अपने ये जो पिंक बीन्स हैं, जिन्हें हम आम लैंग्वेज में देसी लोबिया भी कहते हैं, मैंने तकरीबन आधा किलो देसी लोबिया लिया। इसे मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 घंटे। उसके बाद मैंने इसे अपने पॉट में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने जो है वो सॉल्ट डालना है, सिर्फ इसको नमक के साथ हमने उबाल लेना है, ठीक है? तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। मैंने आधा किलो लोबिया लिया है, ये बेसिकली ये देसी लोबिया है, तो इसको हम लोग देसी लोबिया को पिंक बीन्स कहा जाता है और यहाँ यूएई में ये रेड छोले के नाम से भी अवेलेबल है, ठीक है? तो इसमें मैंने तकरीबन आधा पौना लीटर जो है वो पानी डाला है। अब इसे मैं इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। जब ये बिल्कुल डन हो जाएगा तब मैं इसको स्ट्रेन करके जिसका एक्सेस वाटर है वो रिमूव कर लूँगी, ठीक है? तो उसे पका लेती हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स, एक बोल में मैं अपने जो मैंने लोबिया बॉईल करके रखा था, एक लार्ज बोल ले लीजिए, मिक्सिंग बोल, उसमें मैं अपना लोबिया जो है वो ऐड कर दूंगी। कोई पानी इसमें ना रहे, एक्सेस पानी सारा का सारा स्ट्रेन कर लीजिए। साथ ही इसमें अंदर मैं ऐड करूंगी केचप, तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून इसमें केचप जाएगी। अच्छा, एक ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप 1 टेबलस्पून केचप डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल दीजिए। लिटरली स्पीकिंग बहुत ही ज़बरदस्त और यम इसका जो है वो टेस्ट बनता है, ठीक है? अगर आपको गार्लिक का टेस्ट पसंद है, गार्लिक की फ्लेवर पसंद है, तो ज़रूर इसमें चिली गार्लिक का 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून। जितनी भी स्पाइसेस और इसमें जितनी भी सॉसेज यूज़ हो रही हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आप कम कर दीजिए। जो फ्लेवर आपको जहाँ लगे कि हाँ ये फ्लेवरफुल मेरे लिए इतना ठीक है, तो आप उतने पर इसको रोक सकते हैं, ठीक है? इसे मिक्स कीजिए, टेस्ट कीजिए, वट एवर यू लाइक इसमें ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपकी टोटल अपनी मर्जी है। लेमन जूस इसमें जाएगा, पूरे 1 लेमन का मैंने जूस डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। अगर टेबलस्पून में मैं आपको मेजर करके बताऊं तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है, मैंने ये ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी चाट मसाला, तो चाट मसाला जो भी आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर दीजिए। मैं तकरीबन इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। ये भी बिल्कुल आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, आपको कितना पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा कर दीजिए, कम पसंद है आप इसमें कम भी कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स करने के बाद जो हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है, ठीक है? फ्रेश वेजिटेबल्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये सैलड रेडी होता है और यकीन करें इतना हेल्दी है, क्योंकि पिंक बीन्स इटसेल्फ बहुत हेल्दी होते हैं, हाई प्रोटीन होते हैं। इसमें 1 टोमेटो जो है वो मैंने ऐड करना है चॉप करके, थोड़ा सा छोटा छोटा चॉप करिएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स उसी शेप में काटिएगा छोटी छोटी, जिस तरह से बीन्स जो हैं वो छोटे छोटे से, तो बहुत ही प्यारी उसकी जो है वो लुक आती है, ठीक है? इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ, साथ ही ग्रीन चिलीज़ चॉप की भी मैंने इसमें 2 अदद ऐड करूँगी, आपकी मर्ज़ी है। आप ये मैं थोड़ा थोड़ा जो बचा रही हूँ जस्ट फॉर द गार्निशिंग मैं इसमें बचा रही हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये पूरा ऐड नहीं करूँगी, गार्निशिंग के वक्त मैं इसको इसमें जो ऊपर से जब डालूंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ ही इसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन लिया, इसे चॉप कर लिया अच्छे तरीके से, इसे मैंने वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इस स्टेज पे मैं इसको करने लगी हूँ टेस्ट, ताकि मैं स्पाइसेस जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूँ। परफेक्ट मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, जो रेशियो मैंने डाला, तो ज़बरदस्त हमारा पिंक बीन सैलड जो है वो परफेक्टली रेडी है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहा है। तो व्यूअर्स, ये है हमारे पिंक बीन सैलड की बिल्कुल फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। मेरे कहने के लिए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी बनता है। बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।